नमस्कार। आज के एनक्लेक्स क्वेश्चंस एंड आंसर इस तरह से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉन इज ऑल्सो नॉन एज कॉलर बॉन। कौन सी बॉन कॉलर बॉन भी कहलाती है? तो इसका आंसर है क्लेविकल। क्लेविकल को कॉलर बॉन भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन विच प्रोजेस्टेरॉन इज यूज्ड। यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन सा प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करेंगे हम? तो इसका आंसर है लेबो नॉर गैस्ट्रेरल। ये प्रोजेस्टेरॉन मार्केट में प्रोजेस्टीन ओनली पिल के नाम से आता है। इसको प्रोजेस्टीन ओनली पिल भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की लाइफ कितनी होती है? इसका आंसर है 120 डेज। क्वेश्चन नंबर फोर है, द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग शुड बी। नर्सिंग एजुकेशन में जो हम माइक्रो टीचिंग यूज़ करते हैं उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए 5 to 10 मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पॉट सिम्टम इज एसोसिएटेड विद। कॉप्लिक स्पॉट सिम्टम किस डिजीज़ में पाया जाता है? इसका आंसर है मीजल्स। मीजल्स में चीक के अंदर म्यूकस जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें कॉप्लिक स्पॉट पाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पोजीशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ऑफ एक्यूट एमआई। एक्यूट एमआई के पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? तो इसका आंसर है डॉर्सल पोजीशन। उसको डॉर्सल पोजीशन में रखना चाहिए। सेवन क्वेश्चन है, थेरेपी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। यदि एक बच्चे को जॉन्डिस हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी को, तो उसकी कौन कौन सी थेरेपी यूज़ करते हैं उसमें? तो इसका आंसर है फोटोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, एडिक्वेट फ्लूड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न। ये तीनों ही चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन शुड बी चेंज्ड इन विच कंडीशन। यदि हमने 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाया है तो उसको चेंज कब करना चाहिए हमें? तो इसका आंसर है सॉल्यूशन बिकम टर्बिड, यानी टर्बिड हो गया है वो, या फिर आफ्टर एवरी 24 आवर। हर 24 आवर के बाद हमें वो चेंज करना ही करना है। नाइन्थ में क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यानी हम स्प्रेड नहीं होने दे रहे हैं डिजीज़ को, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। टेंथ क्वेश्चन है, कोड क्लैंपिंग इज डिलेड बाय 1 to 3 मिनट्स इन नियोनेट्स बिकॉज। कोड क्लैंपिंग जो होती है उसको 1 to 3 मिनट तक के लिए डिले किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका आंसर है नियोनेट्स गेट्स कोड ब्लड, क्योंकि नियोनेट्स उसमें से कोड ब्लड 1 to 3 मिनट तक ले लेता है। थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।